नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कैथल पहुंचे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सुरजेवाला पर बोला जुबानी हमला। रणदीप सिंह सुरजेवाला को बताया राजनीतिक रिजेक्टेड माल। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए अनिल विज ने कहा है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं तो वहीं नकारात्मक भी हो जाते हैं। कैथल में आज वे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की खास रिपोर्ट। हरियाणा राज्य के नगर परिषद चुनाव में कैथल चेयरपर्सन की सीट को हॉट सीट माना जा रहा है। इसका मुख्य कारण कांग्रेस और भाजपा के बड़े चेहरों को अपना वर्चस्व जिंदा रखने की कवायद है। एक तरफ जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला का राजनीतिक करियर दांव पर लगा है, तो वहीं कैथल में मौजूद विधायक मंत्री तथा तमाम बड़े चेहरों को अपनी इज्जत बचाने के लिए मारामारी करनी पड़ रही है। इसी कड़ी में जहां पर मुख्यमंत्री से लेकर के प्रदेशाध्यक्ष तथा हरियाणा के तमाम नेता व मंत्री भाजपा प्रत्याशी सुरभि गर्ग के समर्थन में कैथल में आकर के प्रचार शुरू कर चुके हैं, वहीं इसी कड़ी में आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी सुरभि गर्ग के चुनाव प्रचार में शामिल हुए। इसलिए कैथल में ये सीट अहम हो जाती है। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। अपील कर दो सर, पहले सुरभि गर्ग के चुनाव के लिए सुरभि गर्ग के लिए अपील करते हैं। मैं यहां पर सुरभि गर्ग भारी मतों से विजयी हो उसके लिए अपील करने के लिए आया हूं। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने यहाँ जो पंजाबी कैंडिडेट उतारा है वो चार्ज में जुटे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सुरजेवाला तो रिजेक्टेड आदमी है, उसको तो यहाँ से पहले जीन से लड़ाया गया, वो हार गए। अगर वो काबिल होते तो राज्यसभा में उनको हरियाणा से लड़ाते, लेकिन उनको हरियाणा से नहीं लड़ाया क्योंकि कांग्रेस को पता था कि आज तो दो ही वोटें क्रॉस हुई हैं। अगर सुरजेवाला लड़ता तो शायद पता नहीं कितनी और ज़्यादा वोटें क्रॉस होती। तो रिजेक्टेड आदमी के बारे में क्या बात करने की, तो चला गया, उसे भूल जा। उन्होंने कहा डबल इंजन की सरकार से अभी तक धक्का नहीं टूटा, तो ट्रिपल इंजन की सरकार से क्या पूछा? उनका बयान है परसों का। नहीं, ऐसा है, उनको ना डिप्रेशन हो गई है और जिसको डिप्रेशन हो जाती है ना उसको हमेशा नेगेटिव बातें नज़र आती हैं। अभी आपके सामने तो अभी विधायक जी ने बताया कि 1000 करोड़ रुपए का कॉलेज बनाने जा रहे हैं हम, यहाँ पे डक्का भी नहीं होता, उनको नज़र नहीं आता। साहब, आप नेशनल मुद्दे पे बोलते हैं, जो मिलिट्री में 4 साल की भर्ती को लेकर युवाओं में बड़ा रोष है, बिहार में भी प्रदर्शन और रेल रोकी गई है, तो हरियाणा में युवाओं भी काफ़ी भर्ती में वो हिस्सा लेते, तो आपको क्या लगता है हरियाणा में किस तरह का असर पड़ेगा? पहले बेरोजगार बहुत है हरियाणा में। नहीं, ये तो बहुत अच्छी योजना बनाई है, इसमें युवा अपने अच्छे उम्र में आर्मी में जाके ट्रेनिंग लेके काम करके और वहाँ से वो आ सकता है, उसको पैसे भी मिलेंगे, 11 लाख के करीब बता रहे हैं कि उसको दिए जाएंगे, आके फिर वो कोई भी नौकरी कर सकता है, कोई भी कारोबार कर सकता है। ये तो बहुत स्वागत हो गया, कदम उठाया गया। अभी साहब, कैथल की अगर बात की जाए, पिछले 1.5 महीने से कानून व्यवस्था डगमगा रही है, सरेआम जो डकैती हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे कैथल? देखिए, ऐसा है कि कानून व्यवस्था के लिए मैं खुद लगातार मॉनिटरिंग करता हूँ सब जगह पर, सारे ज़िलों की मैं वीकली रिपोर्ट लेता हूँ सारे पुलिस कप्तानों से, और यहाँ से कैथल से मेरे सामने तो कोई केस आया नहीं। अगर केस आएगा तो आपको पता है कि अनिल विज ने आज तक किसी को बख्शा नहीं है। एक जो प्राइवेट बैंक है, सरकारी बैंक है, वो बगैर सिक्योरिटी गार्ड के सभी ऑपरेट होते हैं, लेकिन उसके बाद पुलिस की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो क्राइम को रोके। नहीं, ये एक विषय है जिसमें हम बैंकों को कह रहे हैं कि वो अपना गार्ड लगाएं वहाँ पर, ये उनका दायित्व है, उनकी जिम्मेवारी है, इसके लिए लीगली क्या कर सकते हैं, मैं इसका जल्दी एग्जामिन करवाऊंगा। 130 साल से जो कॉलोनियाँ बसी हुई हैं सर यहाँ पे, उसके अंदर आज भी वो हाउस टैक्स भी दे रहे हैं सर, वो असेसमेंट भी बन रही है सर, परंतु वो ऑनलाइन ना होने की वजह से वो लोग धक्के खा रहे, बिजली और मीटर नहीं लग रहे सर, और 20 साल अभी वो ऑथोराइज नहीं ना हुई जी। नहीं, 30 साल से वैसे बसे हुए हैं लोग। नहीं, बसे हुए हैं, बसने से तो ऑथोराइज नहीं ना हो जाते हैं, ऐसे तो प्रॉपर्टी डीलर काट काट के चले जाएंगे, वो अपने प्रॉफिट लेके चले जाएंगे और भुगती सरकार रहे, सड़कें सरकार बनाए, नालियां सरकार बनाए, बिजली सरकार दे,
तो वो कॉलोनी ऑथराइज होगी, उसकी पॉलिसी बन रही है, एक वेबसाइट बना दी गई है, उसके ऊपर ऐसी अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ जो हैं वो अपने आप को एनरोल करेंगी और सरकार जो नीति बनाएगी उस नीति के तहत फिर इन कॉलोनियों को रेगुलर किया जाएगा। अपनी पूरी पावर इस सीट के लिए थोप लिया है और खट्टर साहब ने भी कल संबोधन किया है, किस कारण इतनी पावर लगानी पड़ रही है बीजेपी को? नहीं नहीं तो चुनाव है, चुनाव के लिए तो सब जगह जाते ही हैं, हर कैंडिडेट के पक्ष में जाते हैं। पिछले हरियाणा में डीजल को लेकर काफी कटौती की जा रही है, पेट्रोल पंपों पे एसोसिएशन ने भी इस पे नाराजगी जताई, क्या कारण है? पहले कहा गया किस किस चीज को तेल की डीजल की कटौती की गई, पेट्रोल पंपों पे सप्लाई नहीं मिल रहा उतना। तो उसमें सरकार का तो कोई ताल्लुक नहीं होता, उसमें तो इंडियन ऑयल देती है, अब उन्होंने क्यों कटौती कर रहे हैं मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई डॉक्टर्स की कमी के लिए 1252 डॉक्टरों की भर्ती हमने की है, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गए हैं, चल रहे हैं आजकल और जैसे ही कंप्लीट होंगे, ये जब से हरियाणा बना अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है, इतनी बड़ी भर्ती आज तक हरियाणा में नहीं हुई है, 1252 की हुई है। इसके अतिरिक्त भी मैंने आदेश कर दिए हैं कि अगर कोई और खाली सीट हो, कोई रिजाइन कर गया हो, जहाँ कोई चला गया हो, उसकी जगह भी इसी की वेटिंग लिस्ट से भर लिया जाए, तो डॉक्टरों की तो पूरी भर्ती, पूरी जो खाली जगह हैं सारी भर जाएंगी, और बाकी भी जो HPSC से और उससे वहाँ से भी जो हमने पोस्टें भेजी हुई थी उनकी भी सिलेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, जैसे नर्सिंग की, MPHW की, लैब टेक्नीशियन की, वो इस महीने में सारा स्टाफ आ जाएगा। बार एसोसिएशन की सर क्या कुछ मांगे थे, क्या कुछ आश्वासन दिया गया? नहीं देखिए, बार एसोसिएशन का उन्होंने कहा है, विधायक जी ने सुन लिया है, अब चुनाव में देखो और तो कुछ कह नहीं सकते। हाँ जी, बुलडोजर एक मुद्दा बना हुआ पूरे देश में कि जहाँ दलील और अपील और बगैर जजमेंट के एक मकान गिरा जाए। नहीं नहीं उनको नोटिस देते हैं बगैर, आप उसको देखो ना, वो बकायदा नोटिस देते हैं और एक्ट में यही प्रावधान है कि अगर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन बनी हुई है तो नोटिस देने के बाद फिर उसको तोड़ा जा सकता है। आम आदमी पार्टी आम आदमी लेकिन मंत्री जी का सुबह आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, सारे सारों का अधिकार है लड़ने का, सारों का अधिकार है। आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट है सर, 10वीं की डिग्री की जो बात सर फर्जी की चल रही है कि 2012 में झारखंड से बनाई थी सर, क्या कुछ सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा जो इसकी जांच करवाई जाएगी सर? अब लोग भी तो कुछ करें, सब कुछ हम ही करेंगे। सर पहली बार जो डायरेक्ट चुनाव हो रहे हैं, कितना बड़ा बदलाव देखते हो, कितना फायदा होगा जनता को? बीजेपी के लिए सेमीफाइनल की तरह है? नहीं नहीं अभी तो चुनाव बहुत दूर है भैया, ये इसको ऐसा मत मानो, ये हर चुनाव इम्पोर्टेंट होता है, हर चुनाव चेक। मैंने बताया अभी अंदर कि ये जो प्रजातंत्र की ये सारी इकाइयां हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद और नगर पालिका और पंचायत, ये सारों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, सब सब जरूरी है। एक पुलिस ऑफिसियल आम पब्लिक के साथ कोई बदतमीजी झगड़ा करता है उसको प्रेशराइज करता है, अगर वो आम पब्लिक पुलिस को दरख्वास्त उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? नहीं आप मुझे दो कार्रवाई सब कर दो। मैंने दिए हमारे प्रधानमंत्री के लिए किस चीज के? वकील साथी है जी, हमारे वकील साहब बड़ा झगड़ा क्या।